आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, जहां बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अब तक जानकारी के मुताबिक बारिश बाढ़ की वजह से दोनों राज्यों में 27 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से आंध्र प्रदेश में 15 जबकि तेलंगाना में 12 लोगों की जान चली गई। बाढ़ की वजह से लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। घर, खेत, खलियान, सड़कें सब बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव के काम में लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से रेलवे सेवा भी प्रभावित हुई है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी ली और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो देखिए, बाढ़ और बारिश से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही जगहों से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ और बारिश ने अलग अलग इलाकों में कैसी तबाही मचाई है, उससे संबंधित एक रिपोर्ट देखिए। केरल, गुजरात और त्रिपुरा के बाद अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। हैदराबाद हो या विजयवाड़ा, खम्मम हो या महबूबाबाद, आसमान से ऐसी आफत बरसी कि लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। पानी इतना बरसा कि ट्रेन की पटरियां ही उखड़ गई। ये घटना महबूबाबाद और टडला पुष्पल्ली के बीच की है। तेलंगाना खम्मम जिला सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस बारे में नरेंद्र मोदी से भी बात की। खम्मम शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। तेज बारिश के चलते पालेरू जलाशय ओवरफ्लो हो गए। मुन्नेरू नदी उफान पर है। तस्वीरें हनुमा कोंडा की हैं। बारिश के चलते रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचा है। ट्रेनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। काजीपेट जंक्शन पर इसके चलते यात्री फंस गए। ये बारिश का ही असर है कि हैदराबाद की हुसैन सागर झील में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं। तेज बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। जगह जगह जलभराव हो गया है। सड़कें नालों में तब्दील हो गई। तेलंगाना के सीएम चंद्रबाबू नायडू खुद बोट पर बैठकर हालात का जायजा लेने निकले। एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। प्रकाशम बैराज पर ट्रैफिक रोक दिया गया। डेंजर वार्निंग जारी कर दी गई है। बैराज के 70 गेट खोल दिए गए। 11 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी रिलीज किया गया है।